हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम लेते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में हम लोग शुरू करेंगे एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड। आइए बच्चों, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है और एथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH है, और इस एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल अपीयरेंस की। तो जब हम इसको देखेंगे एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में या कहीं पर भी आपको मौका मिले, इट इज कलरलेस, पानी के जैसा होता है, इट इज कलरलेस, लेकिन पानी से ज्यादा विस्कस होता है। इट इज कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, सॉर इन टेस्ट, वाटर सोलेबल, लिक्विड, बीपी इज फाउंड 391 केल्विन। बच्चों आपने देखा है कि जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, कभी आपने देखा होगा कि जब आप चाउमीन खाने जाते हैं तो चाउमीन जहां पर बनता है वहां पर पंजेंट स्मेल आती है, अनप्लीजेंट ऑर्डर आती है। बिल्कुल सही, वो जो पंजेंट स्मेलिंग होती है वो ही हमारी एसिटिक एसिड वाली स्मेल होती है। आप जानते हैं जितने भी एसिड होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट। अगर आपने कभी देखा हो तो चाउमीन खट्टी होती है क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। एग्जैक्टली, अब बात करते हैं, इट्स 5-8% एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड विनेगर। मार्केट के अंदर जो एसिटिक एसिड होता है कॉमर्शियली जो यूज करते हैं फूड आइटम्स में, वो विनेगर होता है, पिकल्स में होता है, आपके बर्गर चाउमीन पिज्जा बहुत सारी चीजों में डालते हैं, वो 5-8% एक्वस सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए आपके पास 100 ml सॉल्यूशन है तो 100 में 5-8% बाय वॉल्यूम बाय मास का मतलब वो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू विनेगर। अब बात करते हैं प्योर एसिटिक एसिड ऑन कूलिंग एट 16.7 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स क्रिस्टल। बच्चों होता क्या है कि जब हम लोग एसिटिक एसिड को, आपने पढ़ा होगा लेबोरेटरी में बुक्स में, ग्लेशियल वर्ड जरूर जोड़ते हैं, तो ग्लेशियल वर्ड जो आया है इट कम्स फ्रॉम द क्रिस्टल नेचर ऑफ एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं और 16.7 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाता है तो एसिटिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और ये जो क्रिस्टल्स होंगे दे अपीयर्स लाइक सियर जैसी अपीयरेंस होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के, तो आप देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला था CH3COS, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये ग्रुप जो है ये CH3 हो गया, और उसके बाद जो रेड से शो किया है दैट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। क्या आपको क्लियर है? आइए बच्चों अब लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे एक चार्ट मेंटेन किया हुआ है, चार्ट में हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया है एक्शन विद ब्लू लिटमस। तो जब हम लोग ब्लू लिटमस को ट्रीट करेंगे एथेनोइक एसिड के साथ में तो उसका कलर जो है वो लाल हो जाता है, ये आप जानते हैं। दूसरा लिए है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो एक्टिव मेटल्स में यहाँ पे सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। तो जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके साथ जब भी कोई एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे देखिए एथेनोइक एसिड के साथ में हमने सोडियम मेटल को रिएक्ट कराया, तो सोडियम मेटल रिएक्ट करने के बाद देता है सोडियम एसिटेट, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट थर्ड है रिएक्शन विद बेस, तो बेस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप बेस ले सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको एसिड एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन होगा, और ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन। आप जानते हैं द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और K2CO3 और NaHCO3 और KHCO3 हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आप एथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे तो सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर बनेगा और CO2 गैस बाहर रिलीज होगी। याद रखिएगा जब भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको भूलना नहीं है कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट
कोई भी कार्बोनेट हो, चाहे सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, कोई भी बाई कार्बोनेट हो, चाहे सोडियम का हो, पोटेशियम का हो, कैल्शियम का हो, हमेशा वहां पर सॉल्ट फॉर्म होगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। क्या ये आपको क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल। बच्चों ये रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन कहलाती है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेस्ट रिएक्शन है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज इथेनॉल। क्लियर है? अब यहाँ पे रिएक्शन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एथेनोइक एसिड लिया है, इसको अल्कोहल के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 कंसेंट्रेट H2SO4 की एक या दो बूंद डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और इस मिक्सचर को हीट करते हैं। जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो यहाँ पे हीट को हम लोग ट्रायंगल से दिखाते हैं, तो बच्चों यहाँ पे बनता है CH3COOC2H5 एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्टर, नाम होगा इथाइल एसिटेट। क्या ये आपको क्लियर है? और वाटर बनेगा। यहाँ पर H2SO4 का काम डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये जो एस्टर होते हैं दे आर मॉइस्चर सेंसिटिव, अगर यहाँ पर ये बनने वाला वाटर रिलीज नहीं किया तो ये रिएक्शन को बैक ले जाएगा, यानी एस्टर बनेगा तो जरूर लेकिन बनते ही क्या होगा, इट विल डीकम्पोज इनटू बैक एथेनोइक एसिड एंड अल्कोहल। तो यहाँ पर H2SO4 का काम जो होता है वो डिहाइड्रेट करना होता है कि जो ये वाटर रिलीज हो रहा है इसको H2SO4 अपने साथ ले जाता है, वहां से इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, आप ऐसे समझिए। अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, सिक्स्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडा लाइम। ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन, और ये रिएक्शन जितने चार्ट में हमने डेवलप किया है यहाँ पे ये सारा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा, स्कोरिंग है। तो यहाँ पे हमने एथेनोइक एसिड को NaOH के साथ हीट किया, आप देखिए क्या है, और यहाँ पे CO लिया है, NaOH तो यहाँ भी लिया था देखिए, लेकिन ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन था, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ये डीकार्बोक्सिलेशन है। आप जानते हैं जहां भी डी वर्ड लगा होगा बच्चों, डी मीन्स होता है रिमूवल, याद रखिएगा, इट मीन्स रिमूवल। अरे भाई क्या रिमूव हो रहा है? सर कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बाहर जाएगा, एथेनोइक एसिड का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर जाएगा। कब बाहर जाएगा? जब आप किसी भी कार्बोक्सिलिक को, एथेनोइक को, कोई भी कार्बोक्सिलिक लीजिए, बेंजोइक लीजिए, जब आप उसको सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे, NaOH और CO का मिक्सचर जो होता है ये सोडा लाइम कहलाता है। यहाँ पे 3:1 रेशियो होता है बच्चों, और ये 3:1 रेशियो में जब आप इसको मिक्सचर सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको मीथेन गैस मिलेगा और साथ में सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए CoH ग्रुप जो है वो Na2CO3 फॉर्म में, सोल्ट फॉर्म में बाहर निकल गया है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। क्या यहां पर क्लियर है? So this was all about the carboxylic acid. आपको पता होना चाहिए कार्बन कंपाउंड्स में दो कंपाउंड आपके कोर्स में है, एक एथेनॉल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।